सुल्तानपुर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का हुजूम। कांग्रेसियों ने किया भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा से मोदी को दिया कांग्रेसियों ने मैसेज। केरल से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही कांग्रेस ने अब क्षेत्रीय स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में पूर्वांचल से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा बृहस्पतिवार को सुल्तानपुर जिले में पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने यात्रा का स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और पूर्व MLC दीपक सिंह ने तिरंगा लेकर पूरे शहर में यात्रा की। मोदी योगी सरकार पर सियासी हमला किया। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और पूर्व MLC दीपक सिंह ने मोदी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए GST पर मोदी सरकार को घेरा और नगर निकाय में कांग्रेस की मजबूत लड़ाई का ऐलान किया। भारत जोड़ो यात्रा सुल्तानपुर लेकर आए हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो समाज के अंदर तनाव, जो समाज के अंदर एक भय का वातावरण है, इन सब चीज़ों को जनता के बीच में, लोगों के बीच में, किसान, व्यापारी, नौजवान, आम आदमी, महिलाएं, ये सब लोग जुड़े इस यात्रा से, ताकि ये जो लोगों के अंदर भय का वातावरण है ये दूर हो सके और लोग मजबूती से एक साथ अपना काम कर सके। आज व्यापारी जो राहुल जी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स, आज वो साबित हो रहा है कि गब्बर आ रहा है और व्यापारी भाग रहा है। दुकानें बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, छापे मारे जा, व्यापारी चोर हो गया। अभी तक व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोटर था, सपोर्टर था, तन मन धन से काम करता था, आज चोर हो गया, आज भाग रहा है। इन सब चीज़ों को, इनका भय दूर हो, हम लोग मजबूती से कांग्रेस के लोग खड़े हैं। आज यात्रा का जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया है, हम लोग बहुत ही अभिभूत हैं और निश्चित ये यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है। राहुल जी की जो यात्रा चल रही है उसको बल देने के लिए, ताकत देने के लिए हम सब लोग ये प्रदर्शन की यात्रा चला रहे हैं। आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा यहाँ पर? इसके तौर पर हम चुनाव जीतेंगे, हमारे पास कई मजबूत कैंडिडेट हैं, चाहते हैं और लगातार वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में बने। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी के उस मिशन को पूरा करने का है और समर्थन देने का है। संविधान को तार तार किया हो रहे हैं, कांग्रेस की यात्रा, राहुल जी की यात्रा स्वर्ग को स्वर्ग देते हुए यात्रा संदेश के माध्यम से जन जन तक थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे नेता कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में उपस्थित होकर इस यात्रा को जनपद में ग्राम सभा तक पहुंचाने काम कर रहे हैं। जो आपकी यात्रा चल रही है इलाहाबाद में अजय राय जी के नेतृत्व में सुल्तानपुर आई है और निश्चित रूप से जिस तरह से यात्रा को समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से ये साबित हो रहा है कि राहुल जी का जो मिशन था, राहुल जी का जो उद्देश्य था जिसको लेकर यात्रा शुरुआत की थी, उसमें हम पूर्णतया सफल हैं। लगातार GST से परेशान किया जा रहा है व्यापारी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी जो बात 5 साल पहले कहते हैं सरकार उसे 5 साल बाद मांगती है, अगर पहले मांग ले तो लगता है देश के और प्रदेश के आधार पर। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर सभाओं तक से गब्बर सिंह टैक्स कहा था और आज देश का तमाम व्यापारी इस गब्बर सिंह टैक्स से ठीक उस तरह से त्रस्त है जैसे गब्बर सिंह की फिल्म में रामगढ़ वाले त्रस्त थे। मुझे लगता है गब्बर वाली फिल्म तो सुपरहिट हुई थी, लेकिन गब्बर सिंह टैक्स वाली जो मोदी जी की फिल्म है वो सुपर फ्लॉप है और मोदी जी को हटा कर ये फिल्म दम लेगी। आनंद निकाय चुनाव में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? मतलब कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही कांग्रेस का युवा कार्यकर्ताओं की अगुवाई में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अभिषेक राणा समेत जिले के सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सुजीत कसौंदर की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।